हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं बाल गोविंद भगत चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को। इसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने, ठीक है। और इस चैप्टर में एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या क्या करता है और इसकी वेशभूषा कैसी रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये कबीर जी का भक्त है, या फिर कहा जा सकता है कि उनको गुरु मानता है, उन्हें साहब मानकर उन्हीं के आदेशों पर चलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाल गोविंद भगत के एक्सप्लेनेशन को। बाल गोविंद भगत मझोल कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे, ठीक है। बाल जो थे वो पक चुके थे, लंबी दाढ़ी, जाट जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किया रहता था। कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते थे, यानी कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर एक कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। वह जाड़ा आते ही एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लिया करते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से होता हुआ माथे को पूरा औरतों जैसा मतलब लगा लिया करते थे, और एक गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते थे। तो यहाँ पर उनके शरीर को किस तरीके से वो रखते थे बताया गया है। तो उनका जो कद था वो मीडियम था, ना बहुत ज़्यादा लंबे थे और ना बहुत ज़्यादा गंठे थे, ठीक है। तो मझोल कद के थे और उनकी जो एज थी वो 60 वर्ष रही होगी। बाल पक चुके थे, मतलब वाइट हो चुके थे। लंबी दाढ़ी रखते थे पर जाट जूट नहीं पहनते थे, मतलब ऊपर से कोट वोट ये चीज़ें नहीं पहनते थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से ढका रहता था और चमकता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर पे एक कपड़ा बांधा करते थे वो लंगोटी जैसा, ठीक है। और सिर पर एक चंदन का टीका लगाते थे जो उनकी नाक से शुरू होकर माथे पर ही ख़त्म होता था, औरतों जैसा मतलब पूरा क्रॉस करता हुआ। गले में कुछ मोटे मोटे तुलसियों की माला पहना करते थे। शरीर एकदम बेडौल सा मतलब बना रखा था उन्होंने, एक साधु जैसा। कैसा? साधु जैसा। ऊपर की तस्वीर से तो यही माना जाए कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। जितना उनके बारे में बताया गया है उससे तो यही लगता है कि वो एक भगत थे, मतलब साधु थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी को। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतोहू को तो मैंने देखा नहीं था। थोड़ी खेतीबाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान था। तो ऐसा नहीं है कि वो साधु थे, उनकी बीवी भी थी, मतलब पत्नी भी थी, और बेटा और बहू भी थी। तो उनकी पत्नी को जो लेखक हैं उन्होंने नहीं देखा था, और उनके बेटा और पतोहू को भी उन्होंने नहीं देखा था, पर थे, दोनों थे, ठीक है। बीवी कभी गुजर गई होंगी और बेटा और बहू अभी भी थे। उनके पास एक छोटा सा मकान था और कुछ खेती बाड़ी थी। उनका मकान काफ़ी साफ रहा करता था, ठीक है, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार भी रखते। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साधु मानते थे, कबीर को साहब मानते थे। तो जो बाल गोविंद भगत थे वो परिवार तो रखते थे, और एक भगत यानी साधु की परिभाषा में वो खरे भी उतरते थे। और जो साधुओं की परिभाषा में सबसे अव्वल आए थे, मतलब सबसे ज़्यादा खरे उतरे थे, यानी कबीरदास जी, उनको वो अपना साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना ही खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की भी चीज़ नहीं छूते, ना उसे व्यवहार मिलाते। इन नियमों को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेतों में सौंच के लिए भी नहीं बैठते, मतलब वो कबीर जी के नियमों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को बेवजह झगड़ा नहीं करते, किसी से भी दो टूक बात यानी किसी से भी बात करने में संकोच नहीं किया करते थे, और किसी से भी झगड़ा नहीं करते थे, बट हाँ अपनी बात को सही तरीके से रखते थे। ऐसा नहीं था किसी से डरते हों, या क्योंकि वो सच बोलते थे तो सबके सामने खरे व्यवहार से मतलब तेजी से बोल दिया करते थे। कभी वह दूसरों के खेत में सौंच नहीं किया करते थे, उन्हें अपने ही खेत में सौंच करनी पड़ती थी। और उनके ये कबीर साहब वाले व्यवहार थे, इनसे कुछ लोग यानी जो गांव के लोग थे वो कभी कभी चकित हो जाया करते थे कि ये क्या है, ये कितने नियमों पर चलते हैं, किसी के खेत में सौंच भी नहीं करते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब जी की थी, मतलब कबीरदास जी की थी। वो गृहस्थी जरूर संभाल रहे थे पर जितना भी था उनका सब कुछ कबीर जी का
था। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार ले जाया, जो उनके घर से कोस भर दूर था, ठीक है, 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसी से अपने घर लाते और उसका गुजारा करते। तो जो भी वो अपने खेत में पैदा किया करते थे उसे अपने सिर पे लादकर 4 कोस, ठीक है, 4 कोस पैदल चलकर सिर पे लादकर कबीर जी के मठ पर ले जाकर रख दिया करते थे। अब क्या होता था, वो तो सब भोग लग गया उनका, मतलब वो प्रसाद वो रख लेते थे। अब प्रसाद के रूप में जो उन्हें रिटर्न करते थे अनाज, उसी से वो अपना गुजारा किया करते थे, ठीक है। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वद ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे सारे पद जो उनके कंठ से निकलकर संजीव हो उठते, ठीक है। उनके इस नेचर पे राइटर कह रहे हैं मैं तो मुग्ध था, ठीक है, मैं बिल्कुल फ्लैट था, वही प्रसन्न था। और उनके मुंह से मतलब बाल गोविंद भगत के मुंह से कबीर जी के लिखे हुए सीधे साधे से पद हमेशा उनके कंठ यानी गले से निकलकर संजीव हो उठते, मतलब जीवित हो जाते थे। ऐसा लगता था कि जो उन्होंने लिखा है वो जीवित हो। असाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा है, कहीं हलचल रहे कहीं रोपनी हो रही थी, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे, औरतें कलेवा होकर मेड़ पर बैठी थी, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं था, ठंडी पुरवाई चल रही थी। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी, क्या यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथाड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे थे, उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिवत खेत में बिठा रही थी, उनका कंठ एक एक शब्दों को संगीत के जीने पर चढ़कर कुछ तो ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा था और कुछ इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में भेज रहा था। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते, वे गुनगुनाने लगती, हल बाहों के पैर में ताल उठने लगते, रोपनी करने वाले उंगलियां एक अजीब क्रम में चलाने लगते। बाल गोविंद भगत का यह संगीत था या जादू। तो बारिश का मौसम था, ठीक है, धान लगाने का टाइम था, क्या था, जब धान लगते हैं हमारे, वही टाइम था। और जो स्त्रियां थी वो खेत की मेड़ पर बैठी हुई थी, बच्चे कीचड़ में उछल रहे थे, पानी भरा हुआ था क्योंकि धान रोपनी मतलब धान के पौधे लगाने का समय था, और आसमान बादलों से घिरा हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और धूप का नामो निशान कहीं नहीं था। इसी बीच एक आवाज़ गूंजती है जो सबके कानों में जाती है, और ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि वो किसकी थी, बाल गोविंद भगत जी की थी। और उस आवाज़ में जाने कैसा जादू था कि जो औरतें मेड़ पर बैठी थी उनके होंठ भी थिरकने लगे और जो लोग धान लगा रहे थे जमीन में उनकी उंगलियां भी एक अजीब सी करतब करने लगी, खेत में हल चलाने वाला व्यक्ति भी गुनगुनाने लगा, मतलब सबके मन में एक अलग सा माहौल बन गया, उस गीत को गुनगुनाने का मन सबको करने लगा। और जो बाल गोविंद भगत जी का गीत था वो आधा ऊपर परमात्मा के पास और आधा पृथ्वीवासियों के लिए था, मतलब वो अपने आप में लीन थे, अपने खेतों में धान लगा रहे थे और धान लगाते लगाते वो कबीर दास जी के लिखे हुए गाने भी गा रहे थे। उन गानों से पृथ्वीवासी मतलब जो वहाँ पर लोग थे वो भी मनमोहित थे, और जो ऊपर पृथ्वी के लिए, वो तो भगवान जी के लिए गा रहे थे, वहाँ भी लोग प्रसन्न थे। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी, बादलों की गरज बिजली की तड़प ने अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु वह झिल्ली की झनकार और दुदरों की टर-टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कौल हाल में डुबो नहीं सकती। उनकी खजड़ी डिबक डिबक बज रही थी और वो गा रहे थे। क्या मतलब है यहाँ पर कि भादों की वह अधेरी अधरतिया, मतलब रात को बारिश अभी मूसलाधार बारिश होकर रुकी ही थी, ख़त्म ही हुई थी, बादलों की गरज और बिजली की जो आवाज़ थी वो बाल गोविंद भगत जी के संगीत को छिपा नहीं पा रही थी। उनकी खजड़ी की डिमक डिमक बज रही थी और ना ही जो बारिश में बोलने वाले कीड़े होते हैं ना, बाद में बोलते हैं बारिश होने के बाद, वो भी उनकी आवाज़ को नहीं रोक पा रहे थे। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही थी और वो गा रहे थे।
गोदी में पियवक चमक उठे सखिया, चिहकू ना चिहकू उठे ना, हाँ पिया तो गोद में रही ही, किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहक उठती है उसी भरे बादलों वाले भादों की। आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंद उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। क्या था, भादों की रात थी और ये जो उनका गाना था, ठीक है, गोदी में पीवा, ये वो गा रहे थे, लगातार गा रहे थे। तो ऐसी रात में, ठीक है, जो कि भयंकर होती है, बारिश के बाद सारे कीड़े मकोड़े बोलते हैं और एकदम से सन्नाटा सा छा जाता है, उस बीच में उनकी खजड़ी की टिमक टिमक और ये गाना सुनकर कौन नहीं चौंक जाता। ठीक है, अचानक से ये गाना अगर सुन ले तो वो बिजली चमकने के समान ही चौंक जाएगा। अरे अब सारा संसार निस्तव्य सोया था, मतलब बिल्कुल सो गया था, कोई भी नहीं जाग रहा था। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा था, जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग रहा है, वो अभी भी जाग रहे थे और गा रहे थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गईं जो फागुन तक चला करती हैं, इन दिनों वह सवेरे ही, मतलब कार्तिक के महीने में उनका कुछ अलग रूटीन रहता था, वो क्या करते थे, इन दिनों सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर वह नदी में स्नान को जाते, गांव में, जो कि गांव से कितना दूर था, 2 मील दूर था, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला था। क्या था, बाल गोविंद भगत कार्तिक के महीने में उठते और सुबह जल्दी उठकर 2 मील दूर, ठीक है, तालाब में जाकर नहा आते थे और पता नहीं किस टाइम नहा आते थे कि नहा के आकर बैठ जाते थे। कहाँ पर बैठते थे, पोखर के ऊंचे भिड़े पर। पोखर जैसे तालाब के किनारे का हिस्सा होता है ना, उसको हम पोखर बोलते हैं, और उसी के भिड़े पर, मतलब एक ऊंचे से ठेरे पर जाकर वो बैठ जाया करते थे अपनी खजड़ी को साथ में लेकर और अपना गाना गाना शुरू कर देते थे। और जो लेखक हैं वो कह रहे हैं, मैं तो शुरू से ही देर तक सोता था, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखर पे ले गया। माँ मतलब बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो उस सर्दी में भी जो बाल गोविंद भगत जी का संगीत था वो उन्हें खींच कर वहाँ पोखर तक ले गया और वो उनके संगीत को सुनने के लिए पोखर के भिड़े पर जा पहुँचे। हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिनकी लालिमा को शुक्र तारा और बड़ा रहा था। ठीक है, यहाँ पर यह है कि जो उस टाइम इतना अंधेरा था कि रात में जो तारे होते हैं वो चमक रहे थे, अभी तक तारे गए नहीं थे, और उनकी लालिमा तो आ गई थी, मतलब सुबह को सूरज निकलता है ना तो थोड़ा थोड़ा लाल लाल हो जाता है, तो पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा चढ़ा रहा था। खेत बागीचा घर सब कुछ कुहासा सा छा रहा था, मतलब कोहरा होता है जो, वो छा रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, और इस ठंड में राइटर कहाँ पहुँचे, उनका संगीत सुनने पहुँच गए थे। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय आवृत में मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक पूस की चटाई पर पूरब मुंह काली कमेली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी पर बैठे थे, खजड़ी लिए बैठे थे। तो वो एक चटाई बिछाते उस पर, ठीक है, चटाई बिछाकर वहां पर अपनी खजड़ी लेते और उल्टी तरफ मुंह कर बैठ जाते थे और अपना गीत गाना शुरू कर देते थे। उनके मुँह से शब्दों का तात लगा था, उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी, मतलब उनके मुंह से लगातार शब्द निकल रहे थे और उनकी उंगलियां थी वो अपनी खजड़ी पर चल रही थी। खजड़ी आप लोग जानते ही हैं, टमटम बोलती है, ठीक है, एक ढोलक जैसी होती है, हाथ में पकड़ के बुलाते हैं जिसको। गाते गाते इतना मस्त हो जाते, इतने शुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता खड़े हो जाएंगे। वो इतने लीन हो जाते थे गाते गाते कि ऐसा लगता था कि अब वो खड़े होकर गाने लगेंगे। कमली को तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, जो कमली थी उनकी वो बार बार सिर से नीचे सरक जाती, जाड़े से कपकपा रहा था। कौन, राइटर कपकपा रहे थे, ठीक है, बाल गोविंद भगत पर कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि वो लीन थे, तो जो उनका गाना सुनने गए थे वो कपकपा रहे थे, किंतु तारों की छाव में उनकी मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते, ठीक है, श्रम बिंदु तब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती,
उनके घर में आंगन में आसन जमा बैठती। गांव में उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते, उनके प्रेम मंडली उसे दोहराते तेहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित गति से उसे ताल स्वर में चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे थे और उनके साथ में उनके तन मन नृत्यशील हो उठे थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत में ओतप्रोत था। तो ये जो उससे ऊपर वाला पैराग्राफ था उसमें कार्तिक महीने की बात बताई थी जबकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ में गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी होती थी उसमें उन्होंने बताया कि गर्मियों में क्या होता था उनके साथ। तो गर्मियों में वो क्या करते थे, अपने ही आंगन में एक आसन लगाकर बैठ जाते थे और अपनी खजड़ी बजाने लगते थे और साथ में गाना गाने लगते थे। तो उनके जो साथी होते ना गांव वाले, वो लोग भी आ जाते थे जिन्हें अच्छा लगता था संगीत सुना, वो साथ में अपनी खजड़ी भी लेकर आते थे। तो बाल गोविंद भगत जी एक पद कहते और जो उनके साथी थे श्रोता थे वो दोबारा उसको कहते दोबारा कहते। इसी तरीके से एक स्वर बनने लगता। ऊपर नीचे होते होते इतना उत्साह आ जाता था उन लोगों में कि बाल गोविंद भगत जी बीच में खड़े होकर डांस करने लगते और उनके जितने भी प्रेमी थे श्रोता थे वो चारों तरफ उनके साथ ही नृत्य करने लगते थे और उनका जो आंगन था उसमें सभी लोग नृत्य करते हुए बड़े अच्छे लगते थे और उनका जो आंगन था वो संगीत और खजली की आवाज़ से उत्पोत हो जाता था। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोध था। क्या था उनका, उनकी जो साधना थी उसका सही रूप तब देखने को मिला जब ऐसा होता है ना कि हर इंसान का बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो सही दुख में सबका पता चलता है कि हाँ भाई कौन कौन सा बिहेवियर है, किसका कैसा बिहेवियर रहता है। तो जब उनका इकलौता बेटा जो कि थोड़ा मंदबुद्धि कहा जा सकता है सुस्त था वो मर गया, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, क्योंकि वो सुस्त था इसीलिए बाल गोविंद भगत उसे और ज़्यादा मानते थे, उसे और ज़्यादा प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध में उनकी शादी हुई थी, पोतोहू बड़ी ही सुभाग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रतिबंधिका मतलब घर की पूरी बागडोर उनकी बहू के हाथ में थी और उनकी पतोहू बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ठीक है। और उनका मानना था जो उनका बेटा मर चुका था उसका ज़्यादा लाड़ प्यार वो इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि ये सीधे लोग होते हैं, जो सुस्त होते हैं वो ज़्यादा प्यार के हकदार होते हैं, उन्हें ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है उनकी, तो वो उसका अच्छे से ख्याल रखा करते थे। अब उनकी पतोहू सुंदर भी थी और पूरे घर की जिम्मेदारियाँ भी उठाए हुए थी, तो जो पूरी प्रबंधिका बनकर भगत जी को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर रखा था, मतलब बहुत दुनियादारी से छुटकारा मिल गया था क्योंकि सारी जिम्मेदारियां तो उसने उठा रखी थी। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ले रखती है, ठीक है, खींचकर ही रखती है। आप हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कौतुक कुतूहल बस उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े में ढाक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने पर एक चिराग जला दिया, ठीक है, चला जब कोई तो जब राइटर थे वो वैसे तो उनके घर नहीं जाया करते थे क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो हम उसके घर नहीं जाते, पर जब अगर कोई मर जाता है तो सबकी नज़रें या फिर किसी की मौत सबको खींच ही लाती है, और वो भी गए उनके घर पे देखने। तो उन्होंने देखा कि चटाई पर उनका बेटा लेटा हुआ है और सफ़ेद चादर से उसे ढक दिया गया है। वैसे तो जो बाल गोविंद भगत थे वो हमेशा ही फूलों को चुनते रहते थे, पर आज उन्होंने फूल चुनकर अपने बेटे की लाश की चादर पर डाल रखे थे और उसके सामने ज़मीन पर एक आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तत्लीनता, मतलब उन्होंने सिर के किनारे एक चिराग जला रखा था, ठीक है, और
उस दिन उनकी साधना समझ आई जब उनका बेटा मर गया, फिर भी उन्होंने एक चटाई बिछाई और अपनी खजली बजाते हुए संगीत गाए जा रहे थे। ठीक है, इतने दुख में भी वो संगीत गाए जा रहे थे। वही पुराना स्वर था, वही पुरानी तत्लीनता। घर में पतोहू रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने को कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी आ जाते और उसे रोने के बदले में उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिले, भला इससे बढ़कर आनंद में कौन आनंद की क्या बात होगी। ठीक है, मैं कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु और विजय ही होता आया है। मतलब वो अपने बेटे के मरने पर अपनी पतोहू के पास जैसे संगीत गा रहे थे और उसके बीच बीच अपनी पतोहू के पास जाते और कहते, तुम रो क्यों रही हो? ठीक है, रो मत, उत्सव बनाओ, क्योंकि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो ये अच्छी बात होती है, कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि उन्हें ज्ञान था। ठीक है, उन्हें पता था कि ऊपर जाकर परमात्मा से मिलन होता है। हालांकि ये सब बातें सुनकर गांव वाले और राइटर जो थे वो चकित ज़रूर थे। बहुत बुरा लग रहा था कि किसी के बेटे मर जाने पर कोई ऐसी बातें कैसे कर सकता है, पर हाँ, वो जो कह रहे थे वो एकदम सच था। ठीक है, हम सब जानते हैं कि हमें कभी ना कभी मरना ज़रूर होता है और मरने के बाद परमात्मा के पास जाना ही होता है। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उनकी, किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर लिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग न कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। मतलब उन्हें जैसे ही क्रियाकर्म किया अपने बेटे का, अपनी पतोहू से, उस टाइम में कोई अपनी पतोहू मतलब स्त्री को शमशान घाट में ले जाना भी पाप माना जाता था, उस टाइम में उन्होंने अपनी पतोहू से आग लगवाई अपने पति को। ठीक है, और जैसे ही श्राद्ध वगैरह का सारा कार्यक्रम खत्म हुआ 5-10 दिन के बाद, उन्होंने अपने जो पतोहू थी उसके भाई को बुलाकर कहा कि अपनी बहन को ले जाओ और आदेश दिया, मतलब उनसे कहा कि इसकी दूसरी शादी करा देना। और जो उनकी पतोहू थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, उनकी बहू वो कह रही थी कि इस उम्र में आपको खाना बनाकर कौन देगा, अगर आप बूढ़े हैं, अगर आप बीमार हो गए तो आपको कोई चुल्लू भर पानी भी नहीं देगा, मुझे अपने चरणों में रहने दीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। लेकिन जो बाल गोविंद भगत जी थे उनका निर्णय तो अटल था, वो बिल्कुल अपने निर्णय से पलटने वाले नहीं थे, तो उन्होंने कहा अगर तू इस घर में रहेगी तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। और उनकी ये आखिरी दलील थी, मतलब ये आखिरी बात थी, वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर रुके और अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दें। अब इन बातों के आगे उनकी बहू की एक ना चली और उसे जाना पड़ गया। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते थे, स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते जितना संत समासंग और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल लेते का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भी भिक्षा क्यों मांगे, मतलब घर वाला किसी से भी भिक्षा क्यों मांगे, घर से खाकर चलते तो फिर घर ही लौट कर खाते, मतलब 30 किलोमीटर जाकर स्नान करते थे। वैसे उनका स्नान में कोई ज़्यादा लगाव नहीं था, वो साधु साधना में ज़्यादा विश्वास रखते थे, और क्योंकि वो गृहस्थी से जुड़े हुए थे, साधु नहीं थे, साधु जैसा रहते ज़रूर थे, साधु नहीं थे, तो ऐसे में साधु बनकर वो भिक्षा भी नहीं मांग सकते और खा भी नहीं सकते, तो वो घर से खाकर जाते और घर पर ही लौटकर खाया करते थे। अब खजड़ी बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही बुढ़ापा, अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली, मतलब अब उनका शरीर था वो बूढ़ा हो गया था,
और 4-5 दिन का सफ़र आने में लगता था और 4-5 दिन जाने में, और वो ना ही कुछ खाते थे और साथ ही साथ गाते बजाते भी रहते थे। तो अब बुढ़ापे के साथ साथ क्या होता है कि उनका शरीर चलना भी बंद हो जाता है। तो अब वो आ रहे थे उपवास में ही, वो अपनी मस्ती में आते जाते थे, किंतु टेक वही थी जवानी वाली। मतलब आज भी वो बुढ़ापे में भी अपनी एटीट्यूड को वही रखते थे जवानी वाला। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। क्या था, अब वो वापस आए 4-5 दिन के सफ़र के बाद, भूखे थे, घर आने के बाद खाना खाया, फिर भी कोई तबीयत में सुधार था नहीं, वैसे ही हाल था, ठीक है, बुखार आ गया था। और पर वो अपने नियमों से हटने वाले नहीं थे, नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं, वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेतीबाड़ी देखना, दिन दिन छींचने लगना, लोगों के नहाने धोने से मना किया, मतलब लोग थे जो पड़ोस वाले, उन्होंने कहा भाई नहाओ धो मत, बुखार आ रहा है आपको, और वो रोज़ सुबह ही स्नान करने चले जाते और उनका वही खेतीबाड़ी, स्नान और गाना गाना। आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल रहे थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। क्या था, रात को वो सोए, अब सुबह को वो फिर से गीत गाते थे, पर लोगों ने भोर में देखा, मतलब सुबह को देखा कि आज तो बाल गोविंद भगत जी ने कोई गाना गाया ही नहीं है। सब चकित हुए और जाकर देखा तो उनका पंजर यानी उनका शरीर पड़ा हुआ था, वो मर चुके थे। तो ये था बाल गोविंद भगत जी की स्टोरी, जिसमें वो साधु जैसे थे पर साधु नहीं थे, क्योंकि उनने गृहस्थी बसाई थी और उन्होंने पुराने विचारों को त्यागा था। अपनी बहू को देखिए दूसरी शादी करने को कहा था, उससे उसकी चिता में आग भी लगवाई थी। तो ये था आपका बाल गोविंद चैप्टर, मिलते हैं इसी चैप्टर की समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।